फ्रेंड्स, आज मैं बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस हाईली रिच इन प्रोटीन सैलेड बता रही हूँ, स्प्राउट सैलेड। इसमें मूंगफली ली हूँ छोटी कटोरी से, हरा मूंग है, हरा चना, काला चना, एक बड़ी वाला चना। फ्रेंड्स, आज मैं किचन में अपना बता रही हूँ बहुत रिच और हाईली न्यूट्रिशियस सैलेड, स्प्राउट सैलेड। उसमें क्या क्या है देखिए, मेरा फुलाया हुआ है ये काबुली चना है छोटी कटोरी से ली हूँ, हरा मूंग है, मूंगफली है छोटा कटोरी से। सब मेजरमेंट एक जैसा है, आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा रख सकते हैं। हरा मूंग, हरी चना, काला चना, काबुली चना, ये पांच किस्म का मैंने इसमें लिया है स्प्राउट्स। ये ओवरनाइट रख दी हूँ तो स्प्राउट्स अच्छे से निकल गया है। अब इसको साइड करेंगे, एक बार धो लीजिएगा क्योंकि हल्का स्मेल आ जाता है स्प्राउट निकल। धोने के बाद स्ट्रेन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, वो पानी फेंकिएगा नहीं। आप चाहे तो दाल में बना सकते हैं, चाहे आटा गूंद सकते हैं। इसको साइड रख देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल डाल दी हूँ। आप चाहे तो कोई भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं और कम डाल दें, ठीक है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो सारा स्प्राउट्स हाई फ्लेम में ही काम होगा। लो टेम्परेचर नहीं रखिएगा, चाहे लो फ्लेम नहीं रखिएगा। हमारा जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें सारे स्प्राउट्स डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें सारे स्प्राउट्स डालेंगे। हाई फ्लेम रखिएगा, चाहे हाई टेम्परेचर। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, नमक है, ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। अब इसको भूनेंगे, अब कम करेंगे। अब 5 मिनट भूनेंगे, 3 से 4 मिनट हम ढक के इसको कुक करेंगे। सैलेड है तो रॉ वेजिटेबल तो जाएगा ही। इसमें मैं ली हूँ हाफ खीरा, 2 से 3 पत्ता है पूरा पत्ते गोभी का, हाफ टुकड़ा अनियन, आप चाहें तो 1 से 2 लहसुन के कलियाँ भी ले सकते हो, हाफ टमाटर और मिर्च। बच्चे भी खाएंगे इसलिए मिर्च कम रखी हूँ। बहुत टेस्टी सलाद होता है, आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स या टिफिन बॉक्स में जो हेल्थ कॉन्शियस है वो ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है, टम्मी फुल हो जाएगा खाने पे, खाने पे फिर और मतलब मन नहीं करेगा। चले अब इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे, मैं चॉपर में चॉप करके फिर दिखाती हूँ। सारे वेजी हमारे चॉप हो गए। आपको जितना मन टुकड़ा उसी हिसाब से कीजिएगा। मैंने इलेक्ट्रिक हीटर पे चलाया है, इस तरह से मैं चॉप की हूँ ताकि बच्चे पकड़ नहीं पाए कौन कौन सब्जी डला है, ठीक है। इसको साइड में रख देंगे। अब हमारे सारे स्प्राउट्स भी लगभग हल्का गल गया, ज़्यादा गलाना नहीं, हल्का ही गलाना है, ठीक है। अब इसको हम उतार लेंगे। अब सारे स्प्राउट्स में अपने भेजी डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से मिक्स करेंगे एक बार। अभी मैं नमक नहीं डाली हूँ। अगर इसको लंच बॉक्स या टिफिन में ले जाना है या कुछ टाइम बाद खाना तो आप नमक मत डालिएगा, उसके बाद डालिएगा खाने के टाइम। इसको आप साइड में रख देंगे, इसका ड्रेसिंग देखते हैं। अब इसका ड्रेसिंग के लिए कप ले ली हूँ, इसमें लगभग 1 टीस्पून मैं म्यो ली हूँ, ठीक है। अब इसमें स्वाद अनुसार चाहे 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। काला नमक डालेंगे, हल्का सा पहले ही डाल चुकी हूँ इसलिए एकदम थोड़ा सा डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल नहीं यूज कर रहे तब आप रिफाइंड ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं ड्रेसिंग के लिए, ऐसे ऑलिव ऑयल ही डालिए तो बेस्ट है। अब 2 से 3 पुदीना पत्ता इस तरह से तोड़ लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये सलाद इतना टेस्टी लगता है, बच्चे भी शौक से खाएंगे। और स्प्राउट तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है सभी के लिए, हल्का स्टीम हो जाता है तो गल जाता, सभी खा भी सकते हैं आराम से। अब इसको हम अपना स्प्राउट में मिक्स कर देंगे। ये सलाद आप बना के जो वेट लॉस के लिए ये है वो बना के रख लें फ्रिज में, और खाने के टाइम में नमक डाल दें, बस गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं, ठंडा में ही बहुत टेस्टी लगता है। और ये 1 हफ्ता खाएं, देखिए वेट लॉस कितना अच्छे से होता है, आराम से होता है और पेट भी भर जाता है, फिर कुछ खाने का मन नहीं करेगा। कुछ टाइम के लिए आपका एकदम टमी फूल रहेगा। बच्चों को भी बना के दें,
वो भी टेस्ट से खाएंगे। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए हमारा हाईली रिच इन प्रोटीन न्यूट्रिशियस सभी चीज़ में बेस्ट। आप एक बार ट्राई करें ये रेसिपी। सैलड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।